अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या क्या लाया जाए चाइना अपने साथ, एज अ स्टूडेंट हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अपने साथ लाने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि चाइना एक डिफरेंट कंट्री है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, आपको न्यू जगह सेटल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो होपफुली ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। चाइना आने के लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपने साथ कैश में RMBs लेके आएँ, जो चाइनीज़ करेंसी है, क्योंकि चाइना में जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं। तो ऑनलाइन अभी तो आप नहीं कर सकेंगे आगे, तो आप लोग जो हैं वो अपने पास कैश रखें ताकि एयरपोर्ट पे और आके आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आप इजीली बाय कर सकें। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने फ़ोन में डिफरेंट VPNs करके लाएं, क्योंकि चाइना में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं इंटरनेट पर, जैसा कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें बैंड हैं। तो उसके लिए आप लोग VPNs अपने पास करके लाएं। थर्ड चीज़ है कि आप लोग अपने फ़ोन में ट्रांसलेटर्स करके लाएं, क्योंकि चाइना में लोगों को इंग्लिश नहीं आती होती, इवन कुछ एरियाज़ में येस नो का भी नहीं आइडिया होता। साइन लैंग्वेजेस भी बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक अगर 1, 2, 3 है तो उसका भी साइंस डिफरेंट है चाइना में। तो आप लोग अच्छे 1-2 ट्रांसलेटर्स अपने फ़ोन में करके लाएँ ताकि आप लोग ईज़िली यहाँ पर आके इंटरेक्ट कर सकें। इवन एयरपोर्ट्स पे अथॉरिटीज़ से आप लोग जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। VPN और ट्रांसलेटर्स के मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोन में WeChat एंड AliPay इंस्टॉल करके लाएँ, क्योंकि ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं इंटरेक्शन के लिए भी और पेमेंट्स के लिए भी। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सिम की इंटरनेशनल रोमिंग और अपनी बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा के लाएँ, ताकि अगर आप लोगों को यहाँ पे आके पेमेंट्स करनी पड़े वो भी आप कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनेबल करनी पड़ती हैं, जिसके लिए पासवर्ड रिसीव होने के लिए, तो आप लोगों को उसके लिए सिम की रोमिंग ऑन करवा के लाएँ ताकि आपको एयरपोर्ट पे कोई इशू ना हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लगेज की, कि आप लोग लगेज में अपने साथ क्या क्या लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं ये करूँगी कि आप लोग जो अपने बैग्स लेके आएँ वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेके आएँ, क्योंकि जो चाइना में एयरपोर्ट्स हैं और जो ट्रेन स्टेशन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो हैं वो अपने बैग्स घसीट रहे हों। ऐसा मैंने खुद देखा है, लोगों के साथ हुआ है कि उनके बैग्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे तो उनके टायर्स बीच में ही टूट गए और इवन हैंडल्स उनके टूट गए, तो वो फिर आप लोगों को उसको पुश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बैग्स ले लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग पैक करके अपने लगेज में क्या क्या लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कपड़ों की कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए ये है कि चाइना से कपड़े मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, लाइक अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग करनी है लाइक शर्ट्स एंड पैंट्स, तो वो तो बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, तो आप लोग वो यहाँ से ले के आएँ। चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और हर जगह के डिफरेंट वेदर है, तो आप लोग जो है वो अपने सिटी का वेदर देख के आएँ कि आप लोगों के सिटी में कैसा मौसम होता है, उसके मुताबिक आप लोग अपने कपड़े लेके आएँ ताकि आपको इशू ना हो। और थोड़े लेके आएँ, बहुत ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, तो आप लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस लें, क्योंकि वो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ईद हो गई और यूनिवर्सिटी में कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो उसमें आप लोग वो पहन सकते हैं। तो कल्चरल ड्रेसेस पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी ड्रेसेस यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं। यहाँ पे आके फूड का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो हलाल का भी प्रॉब्लम है, दूसरा अगर हलाल फूड मिल भी जाए आपको तो वो आपको नूडल्स ही मोस्टली मिलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है ये कि आपका टेस्ट डेवलप नहीं होता, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इसलिए आप अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस, जिसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, बिरयानी मसाला वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने साथ लाजमी रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग अपनी मेडिसिन ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि चाइना में जो मेडिसिन मिलती हैं वो हम लोग से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बहुत ही लो पोटेंसी की मेडिसिन मिलती है तो वो असर नहीं करती। तो आप लोग अपनी पैनाडॉल, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई एलर्जी है, कोई स्पेसिफिक आप लोगों की मेडिसिन है, तो वो अपने साथ आप लाजमी स्टॉक लेके आएँ, क्योंकि उसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये है कि आप लोग जो
यूनिवर्सल अडॉप्टर्स होते हैं वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अक्सर जगह पे ऐसे होते हैं कि स्विच ऐसा होता है कि आप लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह चार्ज नहीं कर सकते, तो वो अपने साथ लाजमी लेके आएँ ताकि आपके लैपटॉप्स और फ़ोन वगैरह आप लोग ईजिली चार्ज कर सकें कहीं पर भी। आप अपने साथ पाकिस्तानी स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स लाजमी लेके आएँ, क्योंकि चाय के साथ दिल करता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तानी खाएँ, तो आपको जो बिस्किट्स पसंद हैं जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह साथ लाजमी लेके आएँ। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टी, यानी कि चाय की पत्ती आप अपने साथ लाजमी लेके आएँ। एक चीज़ तो है कि चाइना में पाकिस्तानी हर चीज़ मिल जाती है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यह कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो उससे बेहतर यही है कि जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके पास लगेज अलाउंस है तो आप अपने साथ जो है वो टी बैग्स लेके आ सकते हैं, अपने साथ पत्ती लेके आएं, ताकि क्योंकि हम लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो चाय आपके पास हमेशा हो। नेक्स्ट ये है कि आप अपने साथ पाकिस्तानी राइस और कुछ बेसिक दालें हैं जैसे चने की दाल हो गई, मूंग मसूर की येलो और ऑरेंज जो दाल होती है वो अपने साथ, इस तरह की दालें रखें आप अपने साथ, क्योंकि जो यहाँ पे चावल मिलते हैं जो चाइनीज़ राइस होते हैं वो थोड़े से स्टिकी राइस होते हैं, तो वो हम लोग नहीं खा सकते और पकाने में भी थोड़ा सा इशू होता है हमें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो फूड डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि आप लोग शुरू में एक दफ़ा शॉक में आ जाएंगे, क्योंकि मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं और उसके अलावा बॉयल्ड चीज़ें होती हैं, हलाल फूड का इशू होता है, बहुत सारी सिटीज़ में इशू है, तो अपनी चीज़ें अपने साथ ले के आएँ आपको, ताकि शुरू में कोई शॉक ना लगे। इसके अलावा इलायची, एक मुझे कहा गया था कि इलायची जो है वो यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो इलायची अपने साथ लेके आएँ अगर आप अपनी चाय में या मीठे वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इलायची के पैक्स लेके आएँ। एज अ मुस्लिम हमें जाय नमाज चाहिए होती है, कुरान पाक चाहिए होता है, तो ये भी आप अपने साथ अपनी चीज़ें लेके आएँ। अगर आप लोगों के पास लगेज में जगह है, अगर आपके पास वेट अलाउंस है, तो आप अपने साथ तवा ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे पैन्स मिलते हैं जिस पर रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास स्पेस है तो आप अपने साथ तवा भी रखें, ताकि आप लोगों को रोटियां बनाने में, स्पेशली अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप लोग हैं वो अपने साथ तवा लेके आएँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती चलूँ कि मैं चाइना के सिटी शियान में हूँ। शियान बेसिकली एक मुस्लिम पॉपुलेटेड सिटी है, तो मेरी तो गुड लक ये थी कि मुझे यहाँ पे आके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे पूरा एक फ़ूड स्ट्रीट है जहाँ पे हलाल फूड बहुत ही इजीली अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है, और वहाँ का टेस्ट भी पाकिस्तानी फूड से तकरीबन मिलता जुलता है, इवन नान भी मिल जाते हैं यहाँ से, बारबेक्यू मिल जाता है, तो मुझे तो आके इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वही बात आ जाती है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ई कॉमर्स पे चलता है, मतलब वन क्लिक अवे आपकी चीज़ होती है, डिफरेंट सिटी से भी आ जाती है, तो हलाल फूड भी मिल जाता है, इवन पाकिस्तानी चीज़ें भी मिल जाती हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी कि आप अफोर्ड ना कर सकें। तो शुरू में अपने लिए चीज़ें लेके आएँ, उसके बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे इंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी ट्रैवलिंग टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी कि आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो तो एयरपोर्ट के लिए अपने पास आप लोग कुछ चीज़ें पैक कर लें, जिसमें सैंडविचेस हो सकते हैं, बिस्किट्स वगैरह हो सकते हैं, जो भी स्नैक्स आप लोग खाते हो अपने पास रख लें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप लोग जब लैंड करते हैं तो आप लोग वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, हलाल फूड बहुत सारी सिटीज़ में एयरपोर्ट पर नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए ये है कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में ना पड़े तो अपने पास कुछ ना कुछ खाने के लिए आप लोग पाकिस्तान से ही ले आएँ, या फिर ये है कि आप लोगों ने कहीं से अगर ट्रांजिट करना है तो उसके लिए आप अपने लिए कुछ ना कुछ अपने बैग में रखें ताकि आप खा सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट ये है कि जब आप लोग ट्रैवल करें तो एक खाली पानी की बॉटल आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम्स में मुस्लिम शावर्स नहीं होते। आप अपने पास हैंडी डिओड्रेंट ज़रूर रखें, क्योंकि जो लोग पहले चाइना में रह चुके हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि चाइना में बहुत ही एक वेयर्ड सी स्मेल आ रही होती है, कि जिससे इशू हो सकता है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए अपने पास डिओड्रेंट हर टाइम रखें, और इसके अलावा अपने साथ एक मास्क लाजमी रखें। चाइना से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके।